हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या ऑर्गेनेल्स होती है उसके अंदर और क्या क्या उनका फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद इसको आप देखें, सेकंड पार्ट इसको देखें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इसको देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी के। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे टर्म ही इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, जैसे एलिमेंट्री का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है बेसिक, कि जो बेसिक टिश्यू क्या हुए हमारी बॉडी के, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इसने क्या कहा कि जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। तो इसी प्रकार जब हम, मैंने कहा था आपको कि जो हमारे बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं, ग्रुप मिलकर के बनता है, टिश्यू बनता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर के बनते हैं, मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो आज हम उसी टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसने क्या कहा, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होता है, एंड इन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, उसने कहा और सिमिलर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है। तो क्या होता है, जैसे एक टाइप की टिश्यू, जब एक जो हमारे एक टाइप के सेल्स होगी जब आपस में मिलेंगे तो क्या मिला है, मिल करके क्या बनाएंगे, हमारा टिश्यू बनाएंगे। और इसने क्या कहा है, फिर अरेंज इन अ करेक्टरिस्टिक पैटर्न, और क्या होता है, करेक्टरिस्टिक पैटर्न में अपना अरेंज होते हैं, मतलब क्या होता है, एक के बाद एक अरेंज होते हैं, किसी शेप में होंगे अरेंज, वैसे अरेंज होंगे। फिर इसने क्या कहा कि स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क। इसने कहा जो हमारे अलग अलग टिश्यू होते हैं, हर एक का अपना एक अलग काम होता है, हर टिश्यू का अपना एक अलग फंक्शन होता है, काम होता है। तो फिर इसने क्या कहा कि देयर द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जो स्टडी होती है टिश्यू की उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो जो हमारा जो वर्ड है हिस्टोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, हिस्टो प्लस लॉजी, हिस्टो प्लस लॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब, हिस्टो का मतलब होगा टिश्यू और लॉजी का मतलब होगा स्टडी, तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, देयर आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसने कहा कि यहाँ पर चार बेसिक टाइप है हमारे टिश्यूज के। जैसे क्या कहा इसने, सबसे पहले होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, फिर हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और हमारा क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है। तो ये हमारे फोर बेसिक टाइप्स होते हैं हमारे टिश्यू के। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे के बारे में कि क्यों, कौन सा क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, सब वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका आप डायग्राम देख सकते हैं, इस प्रकार के हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो आइए बात करते हैं उसकी। इसने क्या कहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। इसने कहा कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाते हैं हमारी बॉडी की। और इसने क्या कहा कि ये क्या है, एक मेन टिश्यू, जो हमारा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो क्या होता है, वो एक मेन क्या होता है, मेन होता है किसका, हमारा स्किन की आउटर लेयर करता है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो स्किन जो हमारी होती है, स्किन लेयर होती है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारा स्किन बॉडी में। तो उसकी क्या होता है, उसकी कवरिंग करता है हमारा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का यही काम है कि वो हमारी जो स्किन होगी उसकी कवरिंग करता है, कौन, एपिथेलियल टिश्यू। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म, और ये क्या क्या बनाता है, ये हमारी मेम्ब्रेन बनाता है, डक्ट बनाता है, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, और क्या, बॉडी कैविटी जो हमारी थी उनकी लाइनिंग करता है। जैसे मेम्ब्रेन, आपने मेम्ब्रेन बता दूं आप क्या होता है, मेम्ब्रेन जो हमारी, जैसे सेल देखा होगा आपने, जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है बाहर की, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, तो क्या हमारा वो शेप प्रोवाइड कराती है हमारे सेल को, तो वही मेम्ब्रेन बनाता है हमारा कौन, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। डक्ट का मतलब हमारी बहुत सारे वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, उनको कलेक्टिवली डक्ट कहते हैं, तो वो डक्ट बनाता है। और लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, और जो हमारी बॉडी होती है, कैविटी होती है, कैविटी मतलब एक कोई स्थान होता है, मतलब कोई गड्ढा वगैरह होता है, उसको कैविटी कहते हैं। तो उनकी क्या करता है, उनकी लाइनिंग करता है हमारा कौन, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है ये। इसने क्या कहा, जैसे होलो ऑर्गन होते हैं हमारे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, तो उनकी लाइनिंग करता है। जैसे हम, जो हमारे कैविटी का मतलब, जैसे हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में एग्जिस्ट करता है, तो जो थोरेसिक कैविटी की जो लाइनिंग करेगा, कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू ही करेगा उसका काम। तो क्या करता है, ये क्या करता है, जो होलो ऑर्गन होते हैं उनकी भी लाइनिंग करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मतलब जो हमारा
एक्सक्रीशन मतलब टॉयलेट वगैरह से, इसमें हम बात करते हैं अपने यूरिनरी सिस्टम में। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में, बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। तो फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, और क्या होता है, और सिक्रीशन होता है। ये फंक्शन होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के, चार फंक्शन होते हैं, यानी पहला प्रोटेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। तो वन बाय वन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने अभी पढ़ा है जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है उसकी क्या करता है, कवरिंग करता है। तो कवरिंग करता है तो फ्रेंड्स जो हमको बचाएगा किसके हार्मफुल रेज से बचाएगा, जो हमारे सन से हार्मफुल रेज मिलती है उनसे बचाएगा हमें, किसी केमिकल से बचाएगा। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन करता है हमारे स्किन को, प्रोटेक्ट करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स उसकी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन जैसे आपने खाना खाया, आपने फूड इंजेक्शन किया, इंजेक्शन के बाद जो हमारा फूड होगा उसके जो न्यूट्रिशन होंगे वो न्यूट्रिशन कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड में जाएंगे। अब ब्लड में जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से वो हमारे ब्लड में जाने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे, जिससे जो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे तो हर एक टिश्यू तक पहुंचेगा जो न्यूट्रिशन टिश्यू को चाहिए। तो ये काम होता है हमारा एब्जॉर्प्शन करना, हमारे किसका एपिथेलियल टिश्यू का ही काम होता है। फिर बात करते हैं सिक्रीशन की। सिक्रीशन में फ्रेंड्स जैसे हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो क्या जो हमारे ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, हार्मोन रिलीज करते हैं, तो उनको सिक्रीशन कहते हैं। जैसे हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है, जैसे म्यूकस ग्लैंड होता है तो म्यूकस रिलीज करेगा, जैसे हमारा लीवर होता है, लीवर कुछ बाइल जूस वगैरह सिक्रीट करता है, तो ये हमारा सिक्रीशन हो गया। तो अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि एक्सक्रीट आउट कर देना, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर कर देना, उसका काम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया हमारे स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड ये फंक्शन हो गए हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। अब बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, बात करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे क्लासिफिकेशन होती है, हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू एंड कोलमनार टिश्यू। तो हमारे थ्री टाइप के टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो वन बाय वन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वैमस टिश्यू की बात करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे स्क्वैमस टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लैट होते हैं और इररेगुलर इन शेप होते हैं। मतलब क्या, फ्लैट का मतलब ऐसे फ्लैट होंगे, एकदम से चिकने वगैरह होंगे पर स्मूथ होंगे, और क्या होते हैं इररेगुलर इन शेप, मतलब शेप क्या, उनकी जो शेप होगी सबकी एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग डिफरेंट शेप के होंगे, तो उसको इररेगुलर कहा गया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए प्लीज़। तो क्या होता है, ये हमारे फ्लैट होते हैं और इररेगुलर होते हैं। सेकंड बात करते हैं मतलब क्यूबॉइडल, जो हमारे क्यूबॉइडल होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्यूबॉइड शेप में होते हैं, यानी स्क्वायर शेप में होते हैं। आप देख सकते हैं हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये आपको देख सकते हैं, ये आप क्या है, ये आपके क्यूबॉइडल टिश्यू होंगे, यानी स्क्वायर इन शेप में है। तो क्या होते हैं, ये स्क्वायर इन शेप में होते हैं हमारे क्यूबॉइडल। फिर बात करते हैं कोलमनार की। कोलमनार जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। लॉन्ग का मतलब लंबे से होते हैं और नैरो होते, ज़्यादा वाइड नहीं होते। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, कोलमनार का डायग्राम ये देख सकते हो आप। तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे कोलमनार। इस वीडियो में हमने बात की है, आज इस वीडियो में बात की है हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में बात की। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बारे में और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में, और फर्दर बात करेंगे अलग अलग टाइप के टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। और फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, आप एक कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, ताकि मुझे आपसे अच्छा से अच्छा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा लेकर के आ सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।